Now, I would like to invite Principal Organizer, Chairperson, Department of Psychology, the University of Haripur, Associate Professor Dr. Mohammad Rizwan, to share few words about this event. Please, sir, come here. Give a big hand. Thank you, Sarah. First of all, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे तमाम साथियों का जो कि जूरी मेंबर के तौर से इस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। चाहूँगा उन तमाम टीचर्स का जिन्होंने इस एक्टिविटी को अपने कॉलेज के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर लॉन्च किया और स्टूडेंट्स में इतनी करज पैदा की कि इस हसास मौजू के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उन तमाम टीचर्स के लिए तालियाँ बजाएँ जोरदार जो यहाँ मौजूद हैं। दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, अदम बर्दाश्त, ये हमारे माशरे के बहुत गहरे नासूर हैं। इतने गहरे नासूर हैं कि इन पे बात करते हुए भी हम सब घबराते हैं। जब इस इवेंट को मैंने लॉन्च किया तो आप यकीन कीजिए कि बहुत कम लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार थे। हम सब डरते हैं उन मौजूदात पे बात करने से जो कि हमें लगता है कि हसास है। लेकिन मेरी तरफ से बहुत शाबाश है उन बच्चों को, ये 40 बच्चे थे जिन्होंने इस एक्टिविटी को चूज किया और चूज करके उस हसास मौजू पे बात की, और बात करने के बाद इन में से हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं टोटल 14, सिलेक्ट होने थे 13, लेकिन एक लास्ट पोजीशन पे दो बच्चे टाई किए थे तो मैंने उन दोनों को इनवाइट किया कि वो आके अपना फर्दर चांस यहाँ पर ले लें। तो बच्चे यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। हसास मौजू है, कोई बात नहीं करना चाहता, इस लिहाज से खामोशी है। और पैगाम पाकिस्तान को बनाने वाले इदारे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम विफाकुल मदारिस के चेयरमैन, जिसमें बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, इन सब ने मिलकर ये एक बयानिया तैयार किया। इसलिए तैयार किया क्योंकि बयानिया लोगों को रोकता है किसी ऐसे स्टेप को लेने से जिसे शायद वो लेकर अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। और उसके पीछे जो सबसे बुनियादी बेस है वो किसी ना किसी सोच की है, और उस सोच क्या पैदा की जाती है कि रियासत पाकिस्तान इस्लामी रियासत नहीं है। जब ये सोच पैदा कर दी जाए कि इस्लामी रियासत पाकिस्तान है ही नहीं, तो फिर इसके खिलाफ किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदाना एक्टिविटीज को करना लोगों के लिए आसान होता है। हमारे वो नौजवान जो किसी ना किसी वजह से जिंदगी के किसी ना किसी मसले की वजह से परेशान हाल हैं और उन्हें लगता है कि इस जिंदगी से निजात हासिल करने का कोई आसान तरीका इख्तियार किया जाए, और उस सूरत हाल के अंदर कोई शख्स उन्हें गाइड करता है कि ज़िंदगी का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है अपनी आखिरत और दुनिया दोनों को संवारने के लिए, तो ये जिहाद के नाम पर शिद्दत पसंदी का रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पे चला के हमारे नौजवानों को भटकाते हैं। डिफरेंट इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं। पैगामे पाकिस्तान के नाम से यूनिवर्सिटीज़ में बहुत एक्टिविटीज़ हैं, मुसलसल चल रही होती हैं, लेकिन होता क्या है, एक्टिविटी तो होती है, लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद उसे याद नहीं रखते। क्यों याद नहीं रखते? हमें लगता है कि मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि मैं तो शिद्दत पसंद नहीं हूँ, तो फिर मैं इसे क्यों पढ़ूँ, मैं इसे क्यों समझूँ, ये मेरा मसला नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आपका मेरा मसला नहीं है कि हम शिद्दत पसंद नहीं है, लेकिन कल कोई आपका भाई बहन आपके पास आके ऐसी बातें करता है जो शिद्दत पसंदों के बहकावे में है, तो फौरी तौर पर आपके पास क्या रास्ता है उसे गाइड करने के लिए? आप कुरान हदीस ढूंढने के लिए कितनी एफर्ट करेंगे? तो आपके पास दौरे हाजिर के मुफ्तियान का ये फतवा मौजूद है, अगर आप इसे कोट करके किसी को गाइड करना चाहें तो एक शख्स, एक वो नौजवान जो भी शायद उस हद में खड़ा है कि वो उधर भी जा सकता है, वो वापस भी आ सकता है, तो अगर हम खुद नॉलेजेबल नहीं है तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसकी नॉलेज का हासिल करना हर मुसलमान पर, हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में मौजूद बड़े बड़े मुफ्तियान इसको एंडोर्स कर रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर है, और दुनिया इससे फायदा उठा रही है अपने अपने ममालिक के अंदर अपने अपने लोगों को गाइड करने के लिए। तो मेरे इन नौजवानों के लिए मैं बस चाहूंगा कि अभी स्टार्ट करें अपनी स्पीचेस को और आके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा, पूरे कॉन्फिडेंस से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिसकी आपने तैयारी की है, उसको तैयारी
को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करें कि तमाम लोग आपका साथ देने के लिए हैं। जरा तालियां बजा के बताएं आप इनको कि आप उनका साथ देने के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे तमाम साथियों का जिन्होंने मुझे इस इवेंट के अंदर ज्वाइन किया, एक्चुअली इन बच्चों के लिए ज्वाइन किया, और अब हम एक फेयर मीन के अंदर इवेल्युएशन करेंगे। तमाम ज्यूरी मेंबर से मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने अपने नंबर लगाएं और बच्चों की स्पीच को सुनते हुए प्रॉपरली इवेल्युएट करें उसको। और मैं होस्ट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस बच्चे को भी इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसका नाम कम से कम 2-3 बार बताएं ताकि ज्यूरी मेंबर उसे पहले से टिक लगा लें कि वो किसको इवेल्युएट